सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा 18 वर्ष तक की बच्चियों को किशोरी आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इस ट्रेनिंग में जनपद के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी भी पहुंचे और कहा कि छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार बढ़ गया है, आज जरूरत है ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने की। पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? अभी 12 पास आउट किया है। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या सीखने को मिला? सर हमें यहाँ पे जैसे सेल्फ डिफेंस के बारे में, तो कोई भी हम पे अटैक करता है, कोई भी लड़का या फिर कोई भी आदमी, तो हम कैसे उससे बचे, अपने आप को कैसे सेव करें, वो हमारे हमको बताया गया है। जैसे कोई भी मेरा हाथ पकड़ता है तो हम कैसे छुड़ाते हैं, और मतलब कोई भी हमारे यौनिक हिंसा कोई भी करता है तो हम उसे कैसे छुड़ाते हैं, या फिर उसको अटैक करके कैसे अपने आप को सेव करते हैं 20-30 सेकंड के लिए, जो भी हमें समय मिलता है बीच में। अगर मतलब हम अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद अगर 20-30 सेकंड में भी तो कैसे भी आएगा पुलिस, और तो उस बीच हम कैसे अपने आप को सेव करें, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। लड़कियों को जागरूकता अभियान चल रहा है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, इसलिए इस समय समाज में जितनी गिरावट आई है, आज कन्या को खुद ही सशक्त रोल पढ़ना है और उसको इन सारी चीज़ों से मुकाबला करना है। और साथ ही एक आह्वान भी करता हूँ लड़कियों के माध्यम से कि अपने को इतना शिक्षाली बनाएं इससे समाज खुद उनके सामने झुके। मेरी शुभकामनाएँ इनको, धन्यवाद। मेरठ पुलिस ने महिला की गोली मारकर हत्या करने का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या करवाई थी और अब पुलिस शूटरों की तलाश कर रही है। सर, एक पति को उसकी पत्नी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है? 23 तारीख को गंगा नगर थाना क्षेत्र से एक महिला ऑटो में बैठ के आ रही थी, उसके साथ और भी सवारियां थी। लालकुदी थाना क्षेत्र में जब वे पहुँचे तो एक स्थान पर उसको दो बाइक सवार लोगों ने रोक लिया। वहाँ पर एक महिला उतर रही थी, उसी समय बाइक सवार बदमाश ऑटो के पास पहुँचकर एक महिला को टारगेट करके सीधे उसके सर पर गोली मारे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें स्वाट टीम प्रभारी प्रशांत कपिल, प्रभारी निरीक्षक लालकुर्ती श्री दिनेश दिलीप सिंह और उनकी टीम ने इसमें बहुत गंभीरता से इसको चैलेंज को स्वीकार किया और इसका अनावरण करते हुए इसमें इसके पति ब्रिजेश जो होमगार्ड में नौकरी करता है उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसके पीछे जो वजह प्रथम दृष्टया सामने आई है उसमें पत्नी से किन्हीं मुद्दों पर मनमुटाव होना और उसमें एक तनाव इसके मन में पैदा होना और लगातार इस तनाव को न झेल पाने की मनस्थिति, इस तरह की चीज़ें जो है आई हैं इसमें, इसने इस तरह का गलत निर्णय लिया और इस अवैध कार्य को इसने अपने दो परिचितों को, ये भी संज्ञान में आया है कि इसने भाड़े पर इनको कुछ पैसा दिया, पैसा देकर इस घटना को अंजाम दिलवाया है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और जो अपराधी इसमें लिप्त रहे हैं, जिनको हायर करके घटना कराया गया है, उनका नाम विवेचना के दृष्टिकोण से और गिरफ्तारी के नज़रिए से, जिससे अभी तो कहीं भागने न पाएँ, ये प्रयास चल रहा है शीघ्र गिरफ्तारी का। इसलिए उसका नाम अभी हम प्रेस वार्ता में आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं। शीघ्र ही हमारी टीम लगी हुई इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर हम आपसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू। तिलहर नगर में विद्युत उपभोक्ताओं में विभाग की कार्यप्रणाली के चलते काफी आक्रोश व्याप्त है। उपभोक्ता लगातार 7 दिनों से पावर हाउस पर बिल जमा करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें हर दिन कल आने के लिए कहा जा रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि अधिकारी समस्या की जानकारी के लिए फोन करने पर फोन ही रिसीव नहीं करते, तो ही बिल संशोधन के लिए आने वाले उपभोक्ताओं का भी कुछ इसी तरह का आरोप है। समस्या आपकी? समस्या हमारी ये, हर महीने की रीडिंग चाहते हैं, हमारी हर महीने की रीडिंग नहीं मिलती है। कोई अगर एक महीने की रीडिंग 2003 बिल आता है तो अगले महीने में 10,000 हो जाता है, ऐसा क्यों है? ये समस्या है हमारी। बिल जमा नहीं हो रहा, बिल जमा करने आते कोई अधिकारी नहीं मिलता। SDO साहब अभी तक 10 से ऊपर टाइम हो गया, 11 बज रहा है, SDO साहब अभी तक नहीं है, एक्शन साहब कोई नहीं, कोई भी नहीं अधिकारी। ऐसे आम जनता जाए तो कहाँ जाए, कहीं नहीं जा सकती है। भोपाल खाद्य विभाग के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में दूध कारोबारियों पर दूध की गुणवत्ता को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी के चलते अम्बाह में भी मुरैना खाद्य अधिकारी अवनीश गुप्ता और अनिल परिहार की टीम द्वारा वैष्णो डेयरी पर दूध के सैंपल लिए गए, साथ ही साथ सैंपल अमानक पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की हिदायत दी गई। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पिता ने अपनी 2.5 साल की बच्ची को साथ लेकर कुएं में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की पिटाई कर डाली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर नोकझोंक भी हुई। अरे आप सबको मालूम है, अब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी हो रही है। कार्यकर्ता अपनी गलती को मान रहा है, हेलमेट नहीं है, चालान करा रहा है, फिर भी पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। चैन लूट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, कोई तरीका थोड़ा ही है पुलिस का। पुलिस मदद के लिए बनाई गई है, पब्लिक के लिए, ना कि कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने के लिए। ये सही नहीं है, ये ना बर्दाश्त करा जाएगा। जिन लोगों ने ये बदतमीजी करी है उनको सस्पेंड भी करा जाए, और सस्पेंड के अलावा हमारा मुकदमा भी लिखा जाए। पुलिस कह रही है भाजपा अगर कार्यकर्ता नहीं हटेंगे तो परिणाम के लिए तैयार नहीं। हम तो परिणाम के लिए तैयार है, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। उन्हें मारना है, पीटना है, जेल भेजना है, जो मर्जी चाहे करें, हमें कोई परेशानी। जिस तरह से वाक्य हुआ उसके बाद में आज एक वाक्य होना, हाँ गलत है, ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। जब हमारा कार्यकर्ता बता रहा है, अपना पद बता रहा है, तो उसको करना चाहिए। और जब चालान करा रहा है तो चालान काटना चाहिए उसको, कौन सी आप बता रही है। अगर चालान को मना कर रहा हो कार्यकर्ता, तब परेशानी होनी चाहिए ना। टारगेट करके, अब ये तो वो जान सकते हैं टारगेट करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं है वो करें, उनको सस्पेंड करें, वो मुकदमा कायम करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बदतमीजी करी है। कपड़े तब तक का कोई हमारे थोड़े, हम तो अभी 5 मिनट में हट जाएंगे यहाँ से, हमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, नाम तो सर मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी वाले थे सारे। और आगे इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतने चरम पे है बीजेपी की, बीजेपी की गुंडागर्दी सर बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र में एक और महिला की दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या हो गई। सूत्रों के अनुसार मायके वालों को सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर कोतवाली पुलिस और डायल 100 भी पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ब्लड पड़ा हुआ है, मारने के बाद उसे फांसी पर लटकाया हुआ है हमारी बच्ची के लिए। कहाँ जगह कैसी बात? ये अंदर खड़ी है, इसमें बरामदे में लटका दिए मार के, सबसे नीचे वाले तहखाने में। क्यों, क्या ये नौबत क्यों आई? संता नहीं थी। ये नौबत इसलिए आई, पहली बात तो ये बार बार दहेज मतलब मांगते। हमने मकान बेच के बिलारी में रजिस्ट्री कराई है, इसका सबूत है हमारे पास इसी बिलारी तहसील में। हमने अपने पैसे से मकान दिलवाया अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, संतान नहीं थी। तो ये बार बार उत्पीड़न करते, हम 2 बार बच्ची को ले भी गए, 4 लोगों के कहने पर हम फिर छोड़ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने उत्पीड़न आज तक बंद नहीं किया। मारने के बाद ही इनकी आत्मा को संतुष्टि मिली है। कौन कौन लोग करते थे? इसकी सास है, इसके ससुर हैं, इसके नंद ही है, और इनके पति हैं, अरविंद नाम है इनके पति का, ससुर का नाम राजेंद्र सिंह है। आपकी बेटी अक्का जी है? जी जी। आप कौन? बिलारी नगर में आत्महत्या का मामला है सर, क्या मामला है वो? कोई अभी पकड़ा गया सर? कोई माऊ जनपद के कोटवा लोकापुर गांव के पास स्कूली ऑटो रिक्शा को एक दूसरे स्कूली वाहन ने ओवरटेक के चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे फातिमा स्कूल का ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। स्कूल वाहन के एक्सीडेंट से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। इस वाहन में थे कितने लोग थे? 7 लोग थे। सभी लोग घायल हैं कि बस? दो भैया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? फातिमा स्कूल।
बच्चा पटना में पढ़ता है और जा रहा था स्कूल, और पीछे से राजेंद्र कॉलेज की मैजिक थी जो ओवरटेक करके धक्का दे दी ऑटो को और ऑटो पलट गया। तो जो आपके बच्चे हैं क्या सर स्कूल के वाहन से जा रहे थे कि प्राइवेट? जैसे स्कूल में डेली आता जाता है। अच्छा, स्कूल से ही है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? अभी तक दो इसमें भर्ती हैं और एक पवन कुमार गुप्ता में है। हम लोग सुने तुरंत लेके भागे हैं, हमको पता नहीं है कि जो वाहन धक्का मारा वो प्राइवेट था क्या? वो राज इंटर का, उसको तो हम देखे नहीं है लेकिन बच्चे बताए कि राज इंटर कॉलेज का। वो भी मैंने स्कूल का विद्यालय का? हाँ, राज इंटर कॉलेज का था। कहाँ रहने वाले हैं? कहीं नॉर्थ के रहने वाले हैं। सर आप बताओ ये क्या है सर आज का? देखिए एक स्कूल के बच्चे आ रहे थे बकौल के पास, उनकी गाड़ी जो ऑटो थी वो दूसरे स्कूल के मैजिक से टक्कर लगी, उसमें दो बच्चे बहुत मामूली रूप से बहुत ही माइनर इंजरी है जो कि डिस्चार्ज होने वाले हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे की देखा जाएगा जाँच। वर्षा जल संचयन अभियान के तहत कासगंज शहर के बीएवी इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा एक विशाल जल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भारत सरकार के नोडल अधिकारी महेंद्र कुमार कनौजिया और अलीगढ़ परिक्षेत्र के मंडलायुक्त अजय दीप सिंह ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। माल्यार्पण और स्कूली छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना भी की गई। देखिए ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में जल शक्ति अभियान चल रहा है, और इसी के अंतर्गत जो है जनपद कासगंज में आज जो है जिलाधिकारी जी द्वारा जो है जल पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें देखिए भारत सरकार से भी हमारे जो नोडल प्रभारी हैं श्री महेंद्र कुमार कनौजिया साहब ये भी पधारे हैं, और प्रधानों को इसमें जागरूक करने की आज ये कार्यक्रम था और उनका फीडबैक भी लेना था, तो प्रधान संगठन की तरफ से भी जो है बात रखी गई और सभी अधिकारियों ने भी इस अभियान के संबंध में प्रधानों को जागरूक किया। और अभी मैंने जिलाधिकारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर 68 तालाब लगभग इनका सुधार हो गया है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। और यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कासगंज कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। जी आज जो आपने ज्ञापन दिया डीएम साहब को किस संबंध में दिया? जैसा कि आप सभी को विदित है बीजेपी द्वारा ये लोकतंत्र की ऐसी हत्या है जो जनमानस को भी के दिल को ये प्रहार कर गई है उनकी। उन्होंने जिस तरह से कर्नाटक में एक नाटक करके कांग्रेस की सरकार को गिराया है, सब जानते हैं कि विधायकों की किस तरह से खरीद फरोख्त हुई, सब इनका कारनामा है और ये सब जगह यही करना चाहते हैं कि कैसे भी हम एक क्षेत्र अपना हिंदुस्तान पर कब्जा कर लें और सारे लोगों की भावनाओं को कुचल दें। इनके एजेंडे में लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं है, ना लोकतंत्र को ये जानते हैं, ये अब खुद तंत्र बनाना चाहते हैं और अपना तंत्र बना करके पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेकर के मनमाने तरीके से जनता का शोषण करना चाहते हैं, ये उनकी मानसिकता बिल्कुल प्रदर्शित हो रही है। हम सब लोग सभी कांग्रेसजन इसका प्रबल विरोध करते हैं और आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, राष्ट्रपति को पहुँचाए इस निवेदन के साथ कि भविष्य में इस तरह क्या ये पुनरावृत्ति करते हैं तो हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन इनके लिए इतना भारी पड़ेगा कि हिंदुस्तान को छोड़ करके ऐसे भागेंगे जैसे पूर्व में कई बार ऐसा हो चुका है कि इनको सत्ता छोड़नी पड़ी। ये आगाह किया है और हम सभी लोग जो हैं इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। इनके इन काली कारनामा को जनता समझेगी और निश्चित तरीके से इनको इनका इस जो लोकतंत्र की हत्या का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा।